तो फाइनली आ गया है आईफोन वीडियोस बनाने के लिए। ऑल थैंक्स टू अमित ट्रेडिंग लाजपत नगर, जिन्होंने मुझे आईफोन दिया 3 महीने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए आईफोन रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। तो अगर आप भी अपने लिए आईफोन या कोई और एंड्रॉइड मोबाइल लेने का सोच रहे हैं, तो आप अमित ट्रेडिंग लाजपत नगर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको कुणाल गांधी और गौरव गांधी मिलेंगे, जिनसे आप मेरा रेफरेंस ले सकते हैं। माइट बी यू विल गेट अ स्पेशल प्राइस और स्पेशल डिस्काउंट ऑन डिफरेंट मोबाइल फोन्स। इस वीडियो को शूट करने में मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये वीडियो चौथी बार रिकॉर्ड हो रही है। हर बार कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, कई बार मेरा माइक नहीं चलता, कई बार जिस जगह पे मैं शूट करता हूँ वहाँ पे पानी भरा होता है, और पिछली बार तो आधी वीडियो शूट हुई और आधी वीडियो की ऑडियो गायब हो गई। सो आई होप इस वीडियो में कोई इंटरप्शन ना आए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने आईफोन से, किसी भी आईफोन से, मैं इसमें आईफोन 14 प्लस यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी आईफोन यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, आप कैसे अपने आईफोन से ब्यूटीफुल स्टार्ट रील शूट कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं आईफोन में ही। क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेरीज आती है कि आप एंड्रॉइड से तो बताते हैं कि कैसे आप स्टार्ट रील शूट कर सकते हैं, लेकिन आपने आईफोन से नहीं बताया। सो इस वीडियो में मैं आपको आईफोन रिलेटेड चीजें बताने वाला हूं। तो ये इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि आप कैसे अपने आईफोन से स्टार्ट रील फोटोज क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट, इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने आईफोन की ऐप से उन्हीं स्टार्ट रील की फोटोज को जो आपने क्लिक करी ना, उससे आप वीडियोज या फिर टाइमलेस फोटोज बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उस चीज की जिसका ध्यान आपको सबसे ज्यादा देना है, वो है कि आपको किसी भी लाइट पॉल्यूशन वाले एरिया से शूट नहीं करना है। जैसे अगर आप सिटी से शूट करें, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से जब मैंने शूट किया तो मेरे को इतने इंप्रेसिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले जो कि मुझे हिमाचल चेल से देखने को मिले। तो आप कोई भी एक ऐसे एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे आपका लाइट पॉल्यूशन लेवल जो है वो थोड़ा लो हो, ताकि आपकी स्टार विजिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो, ताकि आपका आईफोन या कैमरा जो भी है वो ज्यादा स्टार्स को कैप्चर कर सके। सेकंड चीज ये है कि आपको ट्राइपॉड यूज करना है, ताकि आप बेटर कंपोज कर सके अपने फ्रेम्स को। आप चाहे तो किसी भी स्टेबल जगह पे अपने आईफोन को रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको कॉम्पोजिशन करने में ना थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अगर आप मन चाहे कॉम्पोजिशन करना चाहते हैं, तो आप मेरी तरह कोई भी ट्राइपॉड यूज कर सकते हैं और ट्राइपॉड पे अपने आईफोन को लगा सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आपको तीसरी चीज जो चाहिए वो है नाइट कैप ऐप, जो आपको इजीली अवेलेबल है आपके एप्पल प्ले स्टोर पे। लेकिन इट इज अ पेड ऐप, तो आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इस ऐप को खुद सबसे पहले खरीदा और ट्राई किया, और हिमाचल एंड दिल्ली दोनों ही जगह से मेरे को काफी अच्छे स्टार्ट रेल रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं मेरे आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और नाइट कैप ऐप के ऊपर, देखते हैं कि आपको क्या क्या सेटिंग्स उसके अंदर देखने को मिलेगी, उस ऐप के अंदर देखने को मिलेगी, और क्या क्या सेटिंग्स आपको चेंज करनी है जब आप ब्यूटीफुल स्टार्ट रेल्स अपने आईफोन से शूट कर रहे होंगे। तो चलिए स्विच होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। तो जैसे ही आप नाइट कैप ऐप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, तो सबसे नीचे आपको एक स्टार या फेवरेट का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें आपको कुछ अलग अलग मोड देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ अगर आप स्टार्ट रील मोड सेलेक्ट करेंगे, तो आपको सिंगल लॉन्ग एक्सपोजर स्टार्ट रील फोटो देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको सारी फोटोज अलग अलग चाहिए फॉर फोटो एंड टाइम लैप्स, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टार्स मोड को। अब स्टार्स मोड सेलेक्ट करने के बाद जाइए सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे, वहां से सबसे पहले जेपीजी हाई क्वालिटी या टिफ फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको दिखता है इंटरवल का ऑप्शन, जिसमें आप 3 सेकंड या 5 सेकंड सेट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आता है हमारा नंबर ऑफ शॉट्स, जिसको टर्न ऑन करके आप फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके एक्सट्रीम राइट कर दीजिए, जो कि है इन्फिनिटी शॉट्स। ISO बूस्ट आप हाई कर सकते हैं और आप पीछे स्क्रीन पे दोबारा आ जाइए। अपने आईफोन को ट्राइपॉड पे सेट करके किसी भी दिख रहे स्टार के ऊपर टैप करके वेट करिए, जब तक आपकी ऐप उसको फोकस कर ले। एंड लास्ट में शटर बटन को प्रेस करके छोड़ दीजिए कुछ समय तक अपने आईफोन को साफ फोटोज क्लिक करने के लिए। अब स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि कितने नंबर ऑफ शॉट्स क्लिक हो गए हैं। अब अगर आपको एक फाइनल टिप दूं, तो आप अपने आईफोन को थोड़ी देर के बाद आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आपका जो आईफोन है वो गर्म होकर बंद हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो आप थोड़ी देर में आके, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आके अपने आईफोन को देख सकते हैं कि वो ऐप चल रही है या नहीं चल रही है। अब कुछ टाइम के बाद मिल जाएंगी आपको ऐसी अमेजिंग शॉर्ट रील फोटोज अपने आईफोन की ही मदद से। तो ये था पहला पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपने आईफोन से ब्यूटीफुल शॉर्ट रील फोटोज को क्लिक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो आने वाला है, जो सेकंड वीडियो है, उसमें हम बात करेंगे कि आप कैसे इन क्लिक करके फोटोज से आईफोन की ही मदद से और उसकी ऐप की मदद से ब्यूटीफुल फोटोज या टाइम लैप्स बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड पीस। तो फाइनली आ गया है आईफोन, क्या कर रहा है और बता दी तो कांटे कब आएंगे।